खबर मथुरा से। दिनांक 9 जुलाई 2023 को थाना हाईवे क्षेत्र में ऑटो सवार महिला से हुई लूट की घटना का थाना हाईवे पुलिस एसओजी टीम मथुरा व थाना जैत पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल व गिरफ्तार। कब्जे से अवैध असलाह व कारतूस व लूट का माल बरामद। दिनांक 10 जुलाई 2023 को वादी राज प्रताप सिंह चौहान पुत्र रामवीर सिंह निवासी गोविंद नगर थाना गोविंद नगर नगर मथुरा द्वारा थाना पर तहरीर दी गई कि दिनांक 9 जुलाई 2023 को वादी की बहन सौम्या सिंह चौहान अपनी मित्र मान्या गुप्ता से शाम के समय ऑटो में राधापुरम चौराहे से बैठकर घर के लिए आ रही थी। जैसे ही ऑटो शाम 5:15 पर CIMS हॉस्पिटल के पास पहुंचा तो पीछे से आ रहे दो अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों ने चलते ऑटो से वादी की बहन सौम्या का हैंडबैग छीन लिया, जिससे वादी की बहन ऑटो से सड़क पर गिर गई तथा उसके सर पर व शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं, जो कि CIMS हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना हाईवे पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के बारे में उच्चाधिकारीकरण को अवगत कराया गया। उक्त घटना के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मथुरा द्वारा क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी महोदया के कुशल पर्यवेक्षण में थाना हाईवे पर उक्त घटना का शीघ्र अतिशीघ्र सफल अनावरण करते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना हाईवे के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर मथुरा व पुलिस अधीक्षक अपराध मथुरा के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी महोदय रिफाइनरी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी हाईवे व एसओजी प्रभारी मथुरा थानाध्यक्ष जैत के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जगह जगह CCTV फुटेज को चेक किया। घटना से संबंधित प्राप्त CCTV फुटेज का सोशल मीडिया खुफिया तंत्र को सर्कुलेट किया गया। घटनास्थल का BTS उठाया गया। आदि कार्रवाई से उक्त घटना अभियुक्त अभिमन्यु उर्फ अन्नु पुत्र बहादुर ठाकुर हाल निवासी तुलसी नगर गैवर्धन रोड थाना हाईवे मथुरा एवं मूल पता ग्राम जानू थाना गोवर्धन जनपद मथुरा व उसके साथी दिनेश उर्फ बटेरा पुत्र रुगनी निवासी ग्राम वाटी थाना जैत मथुरा द्वारा कारित करना पाया गया, जिसके क्रम में अभियुक्त अभिमन्यु उर्फ अन्नु उपरोक्त को मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 11 जुलाई 2023 को रोमेक्स स्कूल से हाईवे को आने वाले रास्ते पर से उक्त अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान अवैध असलाह व कारतूस लूट के सामान घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा अन्य अभियुक्त दिनेश उर्फ बटेरा उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। थाना हाईवे में दिनांक 9 को सायंग 5:15 के करीब एक युवती से पर्स स्नैचिंग हुई थी, जिसमें युवती को चोट लगी थी और वो सिटी हॉस्पिटल में इलाजरत है। इस घटना को लेकर जनमानस में काफ़ी आक्रोश था और इसके अनावरण के लिए थाना हाईवे जैत और SOG की टीम कई टीमें लगाई गई थी। आज इनको जरिए मुखबिर एक सूचना मिली कि उस घटना में शामिल एक युवक इधर से निकल रहा है। इसमें इन लोगों ने इसकी घेराबंदी की और अपने को घेरता देख अभियुक्त ने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसका जवाब पुलिस पार्टी द्वारा दिया गया। अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसकी पहचान अभिमन्यु के रूप में हुई है। अभियुक्त पर पूर्व से ही 8-9 मुकदमे अब तक प्रकाश में आए हैं। इसके द्वारा युवती का लूटा गया पर्स और घटना में प्रयुक्त बाइक, अवैध शस्त्र और कारतूस बरामद हुए हैं। घायल अभियुक्त को जिला अस्पताल उपचारार्थ भेजा गया है। दूसरे अभियुक्त की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है और जल्द से जल्द उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा।